देख रहे सत्यमेव न्यूज और हमारी खास खबर आ रही है टीकमगढ़ जिले से, जहां टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भारत वर्ष का विभाजन मध्य रात्रि में हुआ था। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत खंड है, उसको अखंड करने के लिए हर वर्ष अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाता है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि राम मंदिर का फैसला जल्द ही आएगा। बजरंग दल के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसे या तो उच्च न्यायाधीश द्वारा या सरकार द्वारा कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। मध्यरात्रि में जो भारतवर्ष का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, उसको हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, किस वेदना के साथ वो विभाजन हुआ था उसका संदेश आगे तक पहुंचाने के लिए एवं खंडित भारत राष्ट्र को पुनः अखंड बनाने के लिए यह संकल्प के रूप में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाता है। हमारा उद्देश्य, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य, इस भारत भूमि पर हिंदू राष्ट्र एवं भारत के जो खंड खंड हो चुके हैं उसको पुनः एक अखंड राष्ट्र के रूप में बनाना। मुख्य मंदिर की निर्माण की आपको खुशखबरी शीघ्र ही मिलेगी। इसके लिए हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा सतत प्रयत्न एवं सरकार पर बराबर रूप से दबाव बनाया जा रहा है, ताकि शीघ्र ही या तो माननीय उच्च न्यायाधीश द्वारा या फिर सरकार द्वारा कानून बनाकर राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया जाए। फिलहाल हमारी इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।